हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग रिकन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में जानेंगे पार्टनरशिप फॉर्म को रिकन्स्टिट्यूट करने का इसे रीऑर्गेनाइज करने का पांच कारण है पहला कारण चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर दूसरा कारण एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर तीसरा कारण रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर फोर्थ कारण फोर्थ रीज़न डेथ ऑफ अ पार्टनर और फिफ्थ अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म ये पांच कारण ये पांच रीजंस हैं जिस कारण से जिस रीज़न से हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म को रीऑर्गेनाइज रिकॉन्स्टिट्यूट और री करते हैं इन फाइव कारण इन फाइव रीजन्स में से इन पांच कारणों में से पहले चार जो रीजन्स हैं ये हमारे चैप्टर्स हैं जिसे हम लोगों को पढ़ना है तो आइए सबसे पहले हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में जाने इस चैप्टर में हम लोगों को पांच कंडीशंस जानने हैं नंबर वन determination of gain or sacrifice number 2 accounting treatment of goodwill number 3 accounting treatment treatment of reserve accumulated profit or loss number 4 accounting treatment of profit or loss on revaluation of assets and liabilities and number 5 adjustment of capital जैसा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस कोविड पीरियड में सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है इस चैप्टर में हम लोगों को डिटर्मिनेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस के बारे में जानना है गेन और सेक्रीफाइस को पता करने के लिए हम लोगों के पास दो फॉर्मूला है नंबर वन गेनिंग रेशियो नंबर टू सेक्रीफाइजिंग रेशियो गेनिंग रेशियो का फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो जबकि सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इन दोनों ही फार्मूला में से किसी भी एक फार्मूला को हमें बेस बनाना है और उसी एक फार्मूला से हमें गेन और सेक्रीफाइज दोनों पता चल जाएगा अगर हम लोग गेनिंग रेशियो के फार्मूला को बेस बनाते हैं मीन्स न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को अगर हम माइनस करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट गेन को बताएगा और नेगेटिव रिज़ल्ट सेक्रीफाइज को बतलाएगा जबकि अगर हम लोग सेक्रीफाइजिंग रेशियो के फार्मूला को बेस बनाते हैं पॉजिटिव रिज़ल्ट सेक्रीफाइज को बतलाएगा और नेगेटिव रिजल्ट जो है वो गेन को बतलाएगा जैसा कि एक उदाहरण अगर हम लोग लें कि ए बी और सी तीन पार्टनर इनका ओल्ड रेशियो वन इज टू वन इज टू वन है ए बी और सी ये तीनों डिसाइड करते हैं कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट सेलिंग रेशियो मीन्स न्यू रेशियो थ्री इज टू टू इज टू वन हो जाएगा अब अगर हम लोग ये पता करें कि ए बी और सी में कौन गेन किया और कौन सेक्रीफाइस किया तो इसके लिए एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें अगर हम लोग सेक्रीफाइजिंग रेशियो के फार्मूला को बना बेस बना लें मीन्स ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को अगर हम माइनस करते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो है वन बाई थ्री जबकि ए का न्यू रेशियो है थ्री बाई सिक्स कैलकुलेट करेंगे तो ए का माइनस वन बाई सिक्स आएगा माइनस में अगर रिजल्ट आता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो के फॉर्मूला को बेस बनाने पर तो वो गेन को दर्शाता है इसका मतलब है कि ए जो है वो गेन कर रहा है अब अगर हम लोग बी का कैलकुलेशन करेंगे वन बाई थ्री में से टू बाई सिक्स को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो बी का रिजल्ट ज़ीरो आता है इसका मतलब है कि बी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है नो चेंजेस बी कांस्टेंट रह रहा है ना तो उसे गेन हो रहा है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है अब अगर हम लोग सी का कैलकुलेट करते हैं ओल्ड रेशियो वन बाई थ्री में से हम लोग माइनस कर दे वन बाई सिक्स न्यू रेशियो को तो C का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में आएगा वन बाई सिक्स पॉजिटिव में रिजल्ट आना सेक्रीफाइजिंग रेशियो के फॉर्मूला को बेस बनाने पर इसका मतलब है कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो यहाँ पर C जो है वो सेक्रीफाइस करेगा तो ये एग्जाम्पल है जिसके बेस पर हमें ये पता चल गया कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो के फार्मूला को बेस बनाने पर पॉजिटिव रिज़ल्ट सेक्रीफाइज होगा और नेगेटिव रिजल्ट गेन होगा यही अगर हम लोग गेनिंग रेशियो के फार्मूला को बेस बनाते हैं मींस न्यू रेशियो में से अगर हम लोग ओल्ड रेशियो को माइनस करते हैं तो ए का न्यू रेशियो है थ्री बाई सिक्स जबकि ए का ओल्ड रेशियो है वन बाई थ्री कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वन बाई सिक्स तो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं मीन्स अगर हम गेनिंग रेशियो के फॉर्मूला को बेस बनाते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट गेन होगा और नेगेटिव रिजल्ट सेक्रीफाइस हो जाएगा तो ए का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है वन बाई सिक्स इसलिए ए गेन कर रहा है बी न्यू रेशियो टू बाई सिक्स ओल्ड रेशियो वन बाई थ्री बी का रिजल्ट जीरो आएगा नील मीन्स बी में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं और इसी प्रकार अगर हम लोग सी का कैलकुलेट करें अगर हम लोग सी का न्यू रेशियो वन बाई सिक्स में से सी के ओल्ड रेशियो वन बाई थ्री को माइनस कर देते हैं तो वन बाई सिक्स का नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा और नेगेटिव रिजल्ट जो है वो गेनिंग रेशियो के फार्मूला को बेस बनाने पर सेक्रीफाइज को दर्शाता है तो आप गेनिंग रेशियो के फार्मूला को बेस बनाइए चाहे सेक्रीफाइजिंग रेशियो के फार्मूला को बेस बनाइए इन दोनों ही परिस्थितियों में हम लोगों ने देखा कि ए जो है वो गेन कर रहा है और सी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और बी में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो इसी तरीके से आप लोग सभी को डिटर्मिनेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइज को अच्छे तरीके से समझिएगा अच्छे तरीके से बनाइएगा इसके क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा थैंक यू